तो प्रॉब्लम में बोल रखा है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल थ्री पॉइंट्स ऑफ रेडियाई 1 यूनिट ईच आर कैप्ट सो दैट दे टच ईच अदर आल्सो टच द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। सो अपन को एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है यहाँ पर। तो अपने पास एक ट्रायंगल एबीसी है यहाँ पर, और यहाँ पर थ्री कोइन दे रखा है जो एक दूसरे को भी टच करता है और यहाँ पर साइड्स ऑफ ट्रायंगल को भी टच कर रहा है। तरीके से तो अपन को एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है यहाँ पर। इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, सो अपन को एक ही साइड निकालने की जरूरत है। सो इसको मैं क्यू से बोल देता हूँ और इसको मैं आर बोल देता हूँ। इसके सेंटर को यहाँ से परपेंडिकुलर डाला मैंने, इसको एम बोल देता हूँ और इसको एन बोल देता हूँ। अपन को पता है ये जो डिस्टेंस है वो तो 2 के इक्वल हो जाएगी, और ये अपन को पता है कि यहाँ से अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो ये इसको 30 डिग्री का हो जाएगा। ये पूरा मतलब हाफ पार्ट में डिवाइड कर देगा पूरे एंगल को। बेसिकली ये लेंथ इसके सेम है, ऐसे सोचो सर्कल पे टेंजेंट डाल रहा है, सेम टाइप का ट्रायंगल ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसको 30 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से अगर तुम देखोगे तो अगर तुम्हें बीएम निकालना है तो तुम क्या अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर देखोगे तो जो tan ऑफ 30 है वो क्या हो जाएगा, QM इसकी रेडियाई बन दे रखी है और अपन को बीएम निकालना है। तो यहाँ पर BM देखोगे तो √3 के इक्वल आ जाएगा। और वैसे ही इधर से सेम ये है, ये 30 डिग्री एंगल है, वही NC देखोगे तो ये भी तुम्हारा √3 के इक्वल ही आ जाएगा। जो टोटल लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 2√3+2 हो जाएगी। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 ए स्क्वायर से देता है। सो डायरेक्ट अपन यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास √3 × √3+1 का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा √3 × 4+2√3। तो अपने पास ये हो जाएगा 6 + 4√3 अपना आंसर। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।